हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैथ की वीडियो में हम देखने वाले मैथ के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन का पार्ट टू। पार्ट वन मैंने कल अपलोड किया था, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लीजिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। जिनका भी एग्जाम अभी बचा हुआ है आरपीएफ एसआई या कॉन्स्टेबल का, उनके लिए 50 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। अगर आप ये तीनों पार्ट देख लेते हैं, इसके बाद एक पार्ट और भी आएगा, तो ये क्वेश्चन सभी वो लिए गए हैं जो कि आपके एग्जाम में लगातार पूछे जा रहे हैं। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को खुद भी देखिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। अगर आप चाहते हैं लगातार इसी तरीके से आपको मैथ की, रीजनिंग की और ऑनलाइन टेस्ट की वीडियो मिलती रहे, तो नीचे रेड कलर के बटन को दबा करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा, आपके पास डेली नोटिफिकेशन पहुंचना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को, और मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो जरूर समझ में आएगी और आप वीडियो को एक लाइक तो जरूर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पे पहला क्वेश्चन है, एक पात्र में 60 लीटर अल्कोहल रखा है, उसमें 10 लीटर अल्कोहल निकालकर इतना ही पानी डाल दिया जाता है, इसके बाद 15 लीटर मिश्रण निकालकर इतना ही पानी डाल दिया जाता है, पुनः 12 लीटर मिश्रण निकालकर इतना ही पानी डाल दिया जाता है, अंत में पात्र में शुद्ध अल्कोहल कितना रह जाएगा। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आप इस क्वेश्चन को, इस ट्रिक को जानने के बाद में 2 या 3 सेकंड में कर देंगे, बस एक बार सीख लीजिए। यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक पात्र है जिसमें 60 लीटर, मान लीजिए एक बर्तन है और उसमें 60 लीटर अल्कोहल और पानी का मिश्रण रखा गया है, सॉरी उसमें 60 लीटर अल्कोहल रखी गई है। फिर यहाँ पे बोला जा रहा है उसमें से 10 लीटर अल्कोहल निकालकर उतना ही पानी डाल दिया जाता है, यानी कि 10 लीटर इसमें से अल्कोहल निकाली जाएगी, फिर ऊपर से उतना ही पानी डाल दिया जाएगा, फिर दोबारा फिर 15 लीटर मिश्रण। अब देखिए, जब इसमें 10 लीटर अल्कोहल निकालकर पानी डाल दिया जाएगा तो दूसरी कंडीशन में जो 60 लीटर बनेगा वो क्या बनेगा, वो मिश्रण बन जाएगा अल्कोहल और पानी का, क्योंकि जब प्योर अल्कोहल थी उस टाइम तो अल्कोहल ही थी इसमें, बट जब 10 लीटर हम अल्कोहल निकाल के पानी डाल देंगे तो उस कंडीशन में इसमें 60 लीटर में 10 लीटर तो पानी होगा और 50 लीटर अल्कोहल होगी, तो वो एक मिश्रण बन गया। अब जब दूसरी बार इन्होंने बोला कि 15 लीटर मिश्रण निकालकर उतना ही पानी डाल दिया जाता है, तो इसका मतलब दूसरी बार में मिश्रण निकलेगा, ठीक है। फिर तीसरी बार में इन्होंने बोला 12 लीटर मिश्रण निकालकर उतना ही पानी डाल दिया जाता है, यानी कि इन्होंने तीन बार तीन अलग अलग क्वांटिटी को निकाला और उतना ही पानी डाल दिया। तो अब आपको क्या करना है, एक ट्रिक को याद कर लीजिए बस इसको, एक्स ब्रैकेट 1 - y/x और ब्रैकेट क्लोज, इसको याद कर लीजिए। इसी फॉर्मूले को आपको तीन बार अप्लाई करना है, यानी कि जितनी बार बोले उतनी बार ही अप्लाई करना है। अब एक कंडीशन और इसमें बनती है, यहाँ पे कई बार आपने क्वेश्चन में देखा होगा कि 10 लीटर अल्कोहल निकालकर उतना ही पानी डाल दिया जाता है, और इस रिपीटेशन को 2-3 बार बोल दिया जाता है कि इसी रिपीटेशन को 2 बार कर देना है। तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बार बार 10 लीटर पानी अल्कोहल निकालकर उतना ही पानी डाल रहे हैं, यही काम मतलब 2 या 3 बार करने को बोले, तो तब हम यहाँ पे पावर बढ़ा देते हैं। 2 बार बोले 2 की यहाँ 2 रख देंगे पावर, अगर 3 बार बोले तो पावर 3 कर देंगे, ठीक है। बट जब अलग अलग क्वांटिटी निकाली जाती है, यानी कि 10 लीटर निकाला फिर 10 लीटर पानी डाल दिया, फिर 15 लीटर निकाला फिर 15 लीटर पानी डाल दिया, फिर 12 लीटर निकाला फिर 12 लीटर पानी डाल दिया, इसका मतलब ये सारी अलग अलग क्वांटिटी निकाली जा रही है। तो यही फॉर्मूला आपको 3 बार रख देना है, बस इतना काम आपको करना है। तो रख लेते हैं इस फॉर्मूले को। तो यहाँ पर लिखा है 60x, यानी कि टोटल क्वांटिटी जितनी भी थी 60, 1 माइनस सबसे पहले निकाला था 10 लीटर अल्कोहल, तो 1 - 10/60, फिर दोबारा निकाला 15, तो 1 - 15/60, फिर निकाला 12, तो 1 - 12/60। अब जो चीज़ें कट हो सकती है उसको कट कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे 0 से 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 5 से कट हो जाएगा 9 टाइम, यहाँ पे जाएगा 12 टाइम 5 से, यहाँ पे 2 से जाएगा 24 और ये जाएगा 30 टाइम। अब और भी बहुत सारी चीज़ें कट जाएंगी, जैसे यहाँ पे देखिए 6 से जाएगा ये 10 बार, और ये आपका चला जाएगा 3 से 3 या 9, ठीक है। 12 से जाएगा 24 2 बार, और यहाँ पे देखिए ये चला जाएगा 3 से 3 - 3 यानी कि 10 बार, फिर 5 × 10 5, ये 2 से चला जाएगा, 2 से ये चला गया 5 बार, मतलब आप इसको पूरे को कट कर सकते हैं बहुत ही जल्दी, जैसी भी आपकी कैलकुलेशन है। फिर बाद में आपका सब कुछ कटने के बाद में 5, 3 और 2 बच जाएगा, 5 × 15 और 2 की गुणा करेंगे तो 30, यानी कि 30 लीटर अल्कोहल अब इसमें बच जाएगा जब इस रिपीटेशन को हम बार बार करते रहेंगे। तो आपका कितना हो जाएगा, 30 लीटर इज़ द राइट आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आशा करता हूँ कि समझ में भी आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए दोस्तों, प्लीज़ आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, और पूरा देखने के बाद में चाहे लाइक करिएगा पर लाइक जरूर करिएगा। यहाँ पे है आपका दूसरा क्वेश्चन, ए तथा बी की चालों का अनुपात 2:3 है,
किसी निश्चित दूरी को तय करने में ए बी से 10 मिनट अधिक लेता है। यदि ए की चाल पहले से दोगुनी हो तो वह इस दूरी को तय करने में कितना समय लेगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अभी एग्जाम में पूछा गया था आपके। तो यहाँ पे है देखिए, ए और बी मैंने लिख दिया, ए और बी की चालों का अनुपात क्या है, स्पीड का रेशो 2:3 है, ये क्वेश्चन में दे रखा है। अब आपको पता होगा कि स्पीड का रेशो टाइम के रेशो का अपोजिट होता है, यानी कि स्पीड का रेशो अगर आपको 2:3 दे रखा है तो टाइम का रेशो 3:2 हो जाएगा। इसका लॉजिक भी और रीजन भी आपको पता है क्या होता है, भाई जो स्पीड कम स्पीड से चलेगा वो ज़्यादा टाइम लेगा और जो ज़्यादा स्पीड से चलेगा वो कम टाइम लेगा। ठीक है, यानी कि मैं उल्टा बोल गया शायद यहाँ पे, जो कम स्पीड से चलेगा वो ज़्यादा टाइम लेगा और जो ज़्यादा स्पीड से चलेगा वो कम टाइम लेगा, ये इसका लॉजिक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे स्पीड और टाइम का रेशो अगर आपको पता चल गया तो यहाँ पे बोला जा रहा है ए बी से 10 मिनट अधिक लेता है, यानी कि ए जो है वो बी से 10 मिनट अधिक लेता है, बट रेशो में जो इनका रेशो मैंने निकाला है उस रेशो में केवल 1 का डिफरेंस दिखा रहा है, तो इस 1 के इक्वल आपका 10 मिनट हो जाएगा। समझा आप इस चीज़ को, भाई इनके रेशो में केवल 1 का डिफरेंस दिख रहा है बट एक्चुअल में जो क्वेश्चन में बताया गया है ए बी से 10 मिनट अधिक लेता है, इसका मतलब जो इनके रेशो का डिफरेंस है वो 10 मिनट के इक्वल हो जाएगा। यदि ए की चाल पहले से दोगुनी हो जाए तो यहाँ पे सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अभी कितना टाइम लेता है वो, तो यहाँ पे अगर ए की मैं बात करूँ तो 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे 10 की। ठीक है, क्योंकि एक मिनट के बराबर, एक रेशो के बराबर आपका 10 मिनट है, तो 3 रेशो के बराबर कितना हो जाएगा 30 मिनट, यानी कि ए अभी 30 मिनट लेता है इस दूरी को तय करने में। ठीक है, मतलब किसी भी दूरी को तय करने में। तो यहाँ पे बोला जा रहा है यदि ए की चाल पहले से दुगनी कर दी जाए, अब मुझे ये बताइए अगर वो अभी 30 मिनट ले रहा है किसी भी डिस्टेंस को कवर करने में, अब उसकी चाल अगर मैं डबल कर दूँ, यानी कि अगर वो पहले 5 से चलता था अब उसकी 10 कर दूँ, तो वो टाइम कितना लेगा, आधा टाइम हो जाएगा। समझा आप इस चीज़ को, तो पहले वो ले रहा था 30 मिनट, अब वो कितनी लेगा 15 मिनट, तो 15 मिनट आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे यही पूछा है कि ए की चाल से दुगनी हो तो इस दूरी को तय करने में कितना समय लेगा। ठीक है, अगर ए की चाल पहले से दुगनी कर दी जाए तो कितना समय लेगा, अभी वो 30 मिनट ले रहा था, 30 को 2 से भाग कर देंगे यानी कि अब 15 मिनट लेगा। दोस्तों समझ में आ गया ना कैसे मैंने किया ये, अगर समझ में आता रहे तो बताते रहना, लाइक करते रहना, और नहीं आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ये भी बता देना कि सर समझ में नहीं आया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। एक वस्तु का अंकित मूल्य 1000 रुपये है, यानी कि MRP 1000 रुपये है, जो 10%, 5% और 20% के बटे पर उपलब्ध है, यानी कि 10, 5 और 20% के डिस्काउंट पर उपलब्ध है। सामान का विक्रय मूल्य ज्ञात करिए, यानी कि उसका सेलिंग प्राइस हमें बताना है। भाई 1000 रुपये को, 1000 रुपये की चीज़ को, वस्तु को मैं 10 और 5 और 20% के डिस्काउंट पर बेचूंगा, लास्ट में फाइनल प्राइस क्या बचेगा वो आपको बताना है। अब इसको आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि इसका पहले ये निकालेंगे, फिर उसको उसमें से माइनस करेंगे 1000 में से, फिर जो आएगा फिर उसका 5% निकालेंगे, फिर उसको उसमें से माइनस करेंगे, फिर इसका 20% निकालेंगे, फिर उसको उसमें से माइनस करेंगे, और जो फाइनल वैल्यू बचेगी वो आंसर। बट ये बहुत लेंथी हो जाएगा, तो मैंने आपको एक ट्रिक यहाँ पे बता देता हूँ, इस ट्रिक को नोट कर लीजिए। ट्रिक कुछ नहीं है, देखिए ट्रिक को याद नहीं करना है, बस समझना है कि ऐसा क्यों है। आप एक्स की जगह ए लिख लीजिए, वाई लिख लीजिए, जो आपका मन करे वो लिख लीजिए, बस समझिए। यहाँ पे है कि MRP मल्टीप्लाई, MRP आपकी है, हर बार यहाँ पे डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो आप डिस्काउंट किस में से देते हैं, 100 में से देते हैं। भाई किसी भी चीज़ में से जब हम डिस्काउंट माइनस करते हैं तो 100 में से माइनस करते हैं। ठीक है, अगर किसी भी चीज़ में हम प्रॉफिट देते हैं या प्रॉफिट गेन करते हैं तो हम 100 में प्लस करते हैं। तो इसी चीज़ को समझिए, जब हम डिस्काउंट देंगे तो 100 में से X1 माइनस कर देंगे, यानी कि X1 का मतलब है पहले वाला डिस्काउंट, X2 का मतलब हो जाएगा दूसरे वाला डिस्काउंट, X3 का मतलब हो जाएगा तीसरे वाला डिस्काउंट। तो 100 में से माइनस करेंगे पहले डिस्काउंट को अपॉन में 100, दूसरे वाले डिस्काउंट को 100 में से माइनस करेंगे अपॉन में 100, तीसरे वाले डिस्काउंट को 100 में से माइनस करेंगे अपॉन में 100। तो इस तरीके से बस आपको लिखना है और क्वेश्चन को सोल्व कर लेना है। तो ये 1000 है आपका MRP, 90/100 ये हो जाएगा 10 माइनस करके, और ये 5 माइनस करके 95/100 हो जाएगा, और ये 20 माइनस करके 80/100 हो जाएगा। जो चीज़ें कट सकती हैं वो कट कर लेते हैं, जैसे 0 से 0 हो जाएगा, और ये 1 0 से फिर ये कट जाएगा, 2 0 से ये भी कट जाएगा, यानी कि ये नीचे का खत्म हो चुका है यहाँ से सब कुछ। अब आपके पास क्या बचा है, ये एक, इसकी भी 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 2 से 5 बार, 2 से 4 बार। ठीक है, अब 5 से जाएगा ये 19 बार, तो अब आपके पास बच गया है ऊपर 9×19×4, इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, सेलिंग प्राइस आपकी आ जाएगी 684 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, समझ में आते रहे तो बताते रहना भाई। क्वेश्चन नंबर ये नेक्स्ट है आपका,
एक वस्तु का अंकित मूल्य है उसके क्रय मूल्य से 20% बढ़ाकर रखा गया है, यदि उसे 25% की छूट पर बेचा जाए तो कितने लाभ या हानि होगी। देखिए, एक वस्तु का अंकित मूल्य जो है MRP जो है उसका 20% बढ़ाकर रखा गया है, यानी कि देखिए CP मैंने अभी आपको बताया था 100% होती है हमारी, जो लागत होता है क्रय मूल्य होता है वो 100% होता है, MRP 20% बढ़ा के रखा गया, इसका मतलब MRP आपका कितना हो जाएगा 120% हो जाएगा। जब 100 से आप बढ़ा के 20% रखेंगे तो 120 हो जाएगा ना, क्योंकि 100 का 20% निकालेंगे तो 20 ही आता है, सभी को पता है इतनी छोटी छोटी चीज़ें। फिर यहाँ पे बोला जा रहा है यदि उसे 25% की छूट पर बेचा जाए तो कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी। अब एक बात बताइए, MRP हमारी 120% हो गई, अब इस पे 25% की छूट देंगे तो 120 का 25% निकालिए कितना आएगा, 30 आ जाएगा, ठीक है, 2500 का 100 और 4 से जाएगा कितना हो जाएगा 30, यानी कि 30 आपका आ गया डिस्काउंट। तो अब आप इस MRP में से 120 में से जब 30 माइनस करेंगे तो आपका कितना बचा, सेलिंग प्राइस बची आपकी 90, यानी कि 90% आपकी सेलिंग प्राइस है, 100% आपकी कॉस्ट प्राइस थी, तो आपको कितनी परसेंट की हानि हुई, 10% की हानि हो गई। तो ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा था, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में देखने को मिला है अभी RPF SI और कॉन्स्टेबल के एग्जाम में। आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। दोस्तों पार्टनरशिप के भी क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं, तो एक क्वेश्चन मैंने बहुत ही अच्छा पार्टनरशिप से भी लिया है ताकि इससे बहुत सारी चीज़ें मैं आपकी क्लियर कर सकूं। यहाँ पे बोला जा रहा है ABC मिलकर एक व्यापार आरंभ करते हैं, ए पूरे वर्ष के लिए ये लिखा है यहाँ पे 20,000 का निवेश करता है, बी पहले 30,000 रुपये लगाता है तथा 4 महीने के बाद 10,000 रुपये और निवेश कर देता है, सी पहले 40,000 रुपये लगाता है तथा 9 महीने बाद इसमें 10,000 रुपये निकाल लेता है, वर्ष के अंत में 445,200 के कुल लाभ में से प्रत्येक का लाभ ज्ञात कीजिए। अब थोड़ा सा इसको ध्यान से पढ़ते हैं एक एक लाइन को और दोबारा से मैं आपको समझाता हूँ कि इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है। यहाँ पे बोला जा रहा है ABC मिलकर एक व्यापार आरंभ करते हैं, यानी कि ABC तीन बंदे एक पार्टनरशिप में कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं और जिसमें ए पूरे वर्ष के लिए 20,000 रुपये का निवेश करता है, यानी कि ए ने 20,000 रुपये पूरे वर्ष के लिए लगाए। भाई पार्टनरशिप में ना रेशो से खेला जाता है, अगर आपको रेशो चैप्टर आता है तो आप पूरा अच्छी तरीके से सीख जाएंगे, अगर रेशो चैप्टर नहीं आता है तो सबसे पहले वो सीखना पड़ेगा थोड़ा बहुत, तो उसके बाद ही आप काम कर पाएंगे। ABC का रेशो क्या होगा, उनके प्रॉफिट शेयरिंग का वो कैसे निकालते हैं। अब जो जितने दिन के लिए अपनी कैपिटल लगाता है उसका रेशो उसी से ही, मतलब उसी में उसको प्रॉफिट मिलता है, यानी कि जो जितनी कैपिटल जितने दिन के लिए लगाएगा उसको उतना ही प्रॉफिट मिलेगा। अब यहाँ पे ए ने 20,000 कैपिटल पूरे साल के लिए लगाई है, पूरे वर्ष के लिए, यानी कि 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे मैंने क्या किया 20,000 की मल्टीप्लाई 12 में कर दी है, ए का रेशो बन के तैयार हो गया, बस अब ये कैलकुलेट करना है। फिर बी की कंडीशन क्या है, बी पहले 30,000 रुपये लगाता है तथा 4 महीने के बाद 10,000 रुपये और निवेश कर देता है, यानी कि जो उसने 30,000 रुपये लगाए वो केवल 4 महीने के लिए लगाए होंगे, तो 4 महीने के लिए उसने लगाए 30,000 रुपये, तो 120,000 ये हो गए। और अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि उसके बाद वो 10,000 रुपये और निवेश करता है, तो बाकी के 4 महीने के बाद कितने महीने और बचे हैं, 8 महीने, तो अब उसके 30 से बढ़ के 40,000 रुपये उसके 8 महीने के लिए लगे, तो 320 ये हो गए, ठीक है। फिर यहाँ पे सी के बारे में क्या बोला जा रहा है, सी पहले 40,000 रुपये लगाता है तथा 9 महीने बाद इसमें 10,000 रुपये निवेश कर देता है, तो यहाँ पे सी ने निकाल लेता है, तो यहाँ पे सी ने सबसे पहले 40,000 रुपये लगाए और 40,000 रुपये उसने 9 महीने के लिए लगाए शुरू में, तो 40 की मल्टीप्लाई 9 में की तो 360,000 ये हो गया, उसके बाद वो 10,000 रुपये निकाल लेता है, तो 10,000 रुपये निकालेगा 9 महीने के बाद, यानी कि बाकी के 3 महीने उसके कितनी अमाउंट लगी रहेगी, 40 में से 10 माइनस करेंगे 30,000, तो 30 की मल्टीप्लाई 3 में कर देंगे तो 90 ये हो गया, यानी कि अब इनको हम कर लेते हैं सोल्व, तो यहाँ पे 120,000 और 320,000 ये मतलब उसका रेशो निकाल रहे हैं हम, तो यहाँ पे ये अमाउंट नहीं हुई है, तो आप इस चीज़ को अमाउंट में मत कंसिडर करिएगा कि इसने इतनी अमाउंट लगाई थी, इसने इतनी अमाउंट लगाई थी, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इसने इतनी अमाउंट लगाई थी कैपिटल, कैपिटल तो इनकी 20,000 30,000 और 40,000 और ये घटाने के बाद 30,000 और 40,000 है, बट यहाँ पे ये क्वेश्चन का मतलब सोल्व करने के लिए रेशो हम बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितना होगा, 240,000 440,000 और 450,000, अब सभी में कॉमन क्या है, जीरो है, 4 4 0 कट कर दीजिए, यहाँ पे 24 यहाँ पे 44 और यहाँ पे 45, तो ये इनका रेशो बन के आ गया 24:44 यानी कि 44:45 यानी कि 45, तो आपका जो रेशो बन के आया है
इस रेशियो में डिवाइड होगा ये वाला प्रॉफिट। तो जो 45,200 लिखा है ये प्रॉफिट इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। और यहाँ पे क्या पूछा गया है कि कुल इसमें पूछा गया है वर्ष के अंत में 45,200 रुपये के कुल भाग में से प्रत्येक का भाग ज्ञात कीजिए, यानी कि हर एक का भाग हमें बताना है। तो भाई 45,200 को इन सभी के रेशो से प्लस करके डिवाइड कर दीजिए। तो 24 और 44 और 45 का सम कितना हो जाएगा 113। तो 45,200 को 113 से भाग करेंगे और ए का निकालना है तो 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर 45,200 को 113 से भाग करेंगे और बी का निकालना है तो 44 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर 45,200 को 113 से भाग करेंगे और सी का निकालना है तो 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इनका ये आ जाएगी अमाउंट। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अगर पार्टनरशिप का क्वेश्चन देखने को मिलता है तो आप जरूर करके आएंगे, ये मुझे लगता है अब इस क्वेश्चन के बाद। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए एक क्वेश्चन अभी ये पूछा गया था, बहुत ही सिंपल है। यदि एक्स और वाई, एक्स रेशो वाई का जो रेशो है ये 4 और 5 दे रखा है, तो 5x-3y रेशो 6x+3y ब्रैकेट, मतलब ये आपको बताना है। ये 6 नहीं है भाई, ये ब्रैकेट ही है, ठीक है। तो यहाँ पे सॉरी ये थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया, यहाँ पे ये ब्रैकेट भी है और 6x भी है। तो यहाँ पे आपको इसको सोल्व करना है। तो भैया इस क्वेश्चन में आपको एक ही काम करना होता है, एक्स वाई का अगर रेशो दे रखा है 4:5, तो एक्स की वैल्यू 4 मानिए और वाई की वैल्यू 5 मानिए, और जहाँ पे एक्स वाई रखा है वहाँ पे एक्स वाई में वैल्यू रख के क्वेश्चन को सोल्व कर दीजिए। जैसे यहाँ पे 5x रखा है तो एक्स की वैल्यू क्या है 4, तो 5 × 4, और यहाँ पे भी आपका 6x रखा है तो 6 × 4 आप रख दीजिए। फिर यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है 5 है, तो 3 × यहाँ पे 3y है तो 3 × 5 लिखिए, और यहाँ पे 3 × 5 लिखिए। इनको सोल्व कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 5×4 = 20 और 5×3 = 15, ठीक है। 6×4 = 24 और 5×3 = 15, ये इस तरीके से आप सोल्व कर लीजिए, ठीक है। तो 20 − 15 = 24 + 15 कितना हो जाएगा 5/39, और ये आपका हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है भाई। बस आप इतना ही काम करना है, अगर आपको ऑप्शन में मतलब पॉइंट में दे रखा होगा तो आप इसको डिवाइड करके लिख सकते हैं, अदरवाइज आंसर आपको इतना ही मिलेगा। तो यहाँ पे बस यही चीज़ सीखने की थी कि वाई, एक्स और वाई की जो वैल्यू है आपको दिख रही है इनको रखिए और क्वेश्चन को सोल्व कर लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है 17:19 के प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए कि अनुपात 5:7 हो जाए। अब 17 और 19 जो रेशो लिखा है इसमें से क्या घटाएं कि ये वाला रेशो बन जाए, तो हम इसमें से x घटा लेते हैं। तो 17 और 19 में से आपने क्या किया x माइनस किया दोनों साइड से, और ये किसके, जब मैं इसमें से कुछ घटाऊंगा तो किसके इक्वल आ जाएगा इस रेशो के, तो मैं इसके इक्वल करके लिखूंगा ना भाई। जब क्वेश्चन में कोई चीज़ें कुछ पूछा होता है तो उसको कुछ ना कुछ सोल्व करने के लिए डाटा जो होता है उसका यूज करते हैं। अब यहाँ पे 17 और 19 का रेशो आपको दिया गया है और उसमें से कुछ घटाने की बात भी की जा रही है, तो घटाने मैं अभी एक्चुअल नंबर तो मुझे नहीं पता क्या घटाना है, बट मैं x माइनस कर लूँगा और जो x की वैल्यू आएगी वही राइट आंसर हो जाएगा। तो ये मैंने जो माइनस किया है इसको माइनस करने के बाद में इस रेशो के इक्वल आ गया। तो अब बस आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्वेश्चन को सोल्व कर लीजिए। 17 में करेंगे 119 − 7x, और यहाँ पे 5 की करेंगे 19 में तो 95 − 5x। अब इनको सोल्व कर लीजिए, यानी कि 7x और 5x को माइनस करेंगे तो 2x बचेगा, और 119 और 95 को माइनस करेंगे तो 24 आपका आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 12, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इसी तरीके का आपका एक वो होता है एज वाला क्वेश्चन, तो एज वाले क्वेश्चन को भी इसी तरीके से सोल्व करते हैं। देखते हैं आगे मैंने शायद लिया हो ऐसा क्वेश्चन, तो आपको वो भी देखने को मिल जाएगा। अब नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, देखिए वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है बट दोस्तों जितने भी सीरियस स्टूडेंट हैं वीडियो को देखते रहिए, बहुत ही हेल्पफुल क्वेश्चन रहेंगे सारे के सारे, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ए की कार्य अक्षमता बी से 3 गुनी है, अतः किसी निश्चित कार्य को यह बी से 60 दिन पहले समाप्त कर देता है, दोनों मिलकर इस कार्य को समाप्त करने में कितना समय लेंगे। अब यहाँ पे वर्किंग रेशो आपको दिया गया है 1:3 का, यानी कि 3:1 का सॉरी, क्योंकि ए की कार्य अक्षमता बी से 3 गुनी है, यानी कि बी अगर 1 करता है तो ए 3 करेगा काम, तो वर्किंग रेशो आपको 3:1 मिल गया, ठीक है भाई। समझे, ए की कार्यक्षमता बी से 3 गुनी है, यानी कि बी अगर 1 कर रहा होगा तो ए 3 यूनिट वर्क करेगा, तो वर्किंग रेशो ये है। तो टाइम रेशो इसका अपोजिट हो जाता है, यही बिल्कुल आपका टाइम और स्पीड का अपोजिट होता है, वैसे ही आपका वर्किंग का और टाइम का रेशो अपोजिट होता है, ठीक है। क्योंकि जो जितना कार्य करेगा वो उतना ही आपका समय लेगा, अगर ये ज़्यादा स्पीड से कार्य करता है वर्किंग रेशो इसका एफिशिएंसी ज़्यादा है तो ये कम टाइम लेगा, अगर ये बहुत कम कार्य करेगा तो ज़्यादा टाइम लेगा, ओब्वियसली बात है। इसलिए इनका हमको इन्हें अपोजिट कर देते हैं, तो वर्किंग रेशो 3:1 लिखा है तो टाइम रेशो आपका 1:3 हो जाएगा, ठीक है।
अब यहाँ पे बात आती है क्वेश्चन में नेक्स्ट लाइन में पढ़ने की, तो यहाँ पे बोला जा रहा है किसी निश्चित कार्य को यह 20 से 60 दिन पहले समाप्त कर देता है। भाई ये जो ए है ये 20 से 60 दिन पहले कार्य को समाप्त कर देता है, ठीक है। तो इनके बीच में हमें जो टाइम का रेशो दिख रहा है वो केवल 2 का दिख रहा है, बट ये एक्चुअल में 60 दिन है। तो इसका मतलब जो ये 2 का डिफरेंस दिख रहा है, रेशो में जो डिफरेंस दिख रहा है वो 2 का है, बट एक्चुअल में 60 दिन का डिफरेंस है। ये यानी कि 60 दिन पहले कंप्लीट कर लेता है, तो ये 60 दिन का डिफरेंस आ गया इनके बीच में। तो ये 2 रेशो किसके बराबर हो जाएगा, 60 के, और 1 रेशो बराबर आपका हो जाएगा 30। तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, दोनों मिलकर इस कार्य को समाप्त करने में कितना समय लेंगे। तो यहाँ पे अब देखिए, अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई कर दूँ, ये क्योंकि टोटल आपका आ गया, 1 रेशो का वैल्यू मुझे पता चल गई। अब यहाँ पे वर्किंग की अगर मैं बात करूँ तो 3 और 1 4, तो 4 यूनिट ये वर्क करते हैं दोनों मिलकर, तो टोटल यूनिट ऑफ वर्क कितना होगा। तो 30 बटे, यानी कि 30 को मैं 1 से डिवाइड करूँगा क्योंकि 1 रेशो के बराबर मुझे 30 यूनिट मिला है। तो 30 को मैंने 1 से डिवाइड किया और मुझे चाहिए टोटल यूनिट वर्क, तो 3 और 1 4, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 120 यूनिट आपका आ गया, ठीक है। अब 120 यूनिट को मैं क्या करूंगा, यहाँ पे पूछा दोनों से मिलाकर इस कार्य को समाप्त कराना है, तो इन दोनों से मिलाकर क्या करूंगा, 4 से डिवाइड कर दूंगा। 4 से क्यों, क्योंकि इनका जो टाइमिंग रेशियो है तो यही आपका हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको 120 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 30 डेज आ जाएगा, यानी कि 30 दिन में इसको काम को कंप्लीट कर देंगे। तो वही घुमा फिरा के आपका राइट आंसर आ चुका है। आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखिए एक ट्रेन वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे बोला जा रहा है 30 मीटर पर सेकंड की गति से जा रही 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी 180 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लेगी। जब भी कोई ट्रेन किसी लंबी चीज़ को पार करके जाती है तो हम क्या करते हैं, उस लंबी चीज़ की लंबाई और रेल की लंबाई को प्लस करते हैं, और उन दोनों की चाल जो होती है, उन दोनों की चाल, मतलब दोनों की चाल नहीं, सिर्फ ट्रेन की चाल होगी क्योंकि वो तो एक जगह स्टेबल है, वो तो चाल नहीं है। अगर ये भी मूविंग ऑब्जेक्ट होता तो उन दोनों की चाल का हम या तो एक डायरेक्शन में जाते तो डिफरेंस लेते, अगर एक दूसरे की तरफ को जाते तो प्लस कर देते। वो कंडीशन अलग हो गई जब दो ट्रेन एक दूसरे की तरफ को या फिर अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, बट अभी जो ये पुल को पार कर रही है ये आपका एक जगह स्टेबल है, इसकी कोई चाल नहीं है, तो दोनों की लंबाई को प्लस करेंगे और रेलगाड़ी की चाल से भाग कर देंगे। तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया, रेलगाड़ी की लंबाई प्लस पुल की लंबाई और रेलगाड़ी की चाल से भाग, तो 270 प्लस 180 और 30 से भाग करेंगे तो 450 बटे 30, यानी कि 15 सेकंड का आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। तो ये हो गया आपका राइट आंसर 15 सेकंड। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो इसमें ज़्यादा कुछ समझाने वाली बात थी नहीं, ये क्वेश्चन अभी आपका पूछा गया था रिसेंटली, इसलिए मैंने ऐड कर लिया था, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ, अगर एक तो ये जो मीटर पर सेकंड लिखा है, ठीक है, ये क्वेश्चन में दे दिया गया डाटा आपको, तो क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया। बाई चांस ये 30 किलोमीटर प्रति घंटा भी दे दिया जाता है, अगर ये 30 किलोमीटर प्रति घंटा लिखा जाता है तो इसको सबसे पहले मीटर पर सेकंड में बदलते, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मीटर में लेंथ दे रखी थी। दूसरी बात, अगर दो मूविंग ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में जाते हैं, यानी कि ट्रेन जा रही है, एक और ट्रेन इसी दिशा में जाती है और बोलते हैं ये फास्ट ट्रेन इस स्लोअर ट्रेन को कितनी देर में क्रॉस कर जाएगी, तो तब दोनों की लंबाई को प्लस करते हैं और दोनों की चाल का डिफरेंस लेते हैं, यानी कि जो भी इसकी चाल होती है और जो भी इसकी चाल होती है दोनों की चाल का डिफरेंस लेते हैं। अगर यही ट्रेन एक इधर से आती और एक इधर से आती और पूछा जाता है एक दूसरे को कितनी देर में क्रॉस करेगी, तो इस ट्रेन की लंबाई और इस ट्रेन की लंबाई को प्लस करते और इसकी चाल को भी दोनों को प्लस कर देते क्योंकि एक दूसरे की तरफ को ये मूव कर रही है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि 9 आदमी 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं, 6 आदमी 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, ये आपसे पूछा जा रहा है। दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है, जो जितने आदमी जितने दिन में कार्य करते थे, जितना घंटे कार्य करके कार्य को कंप्लीट करते थे, उन सभी की मल्टीप्लाई कर लीजिए। यहाँ पे बोला जा रहा है 9 आदमी 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 15 दिन में कार्य को कंप्लीट कर लेते थे, तो 9 × 7 × 15 ये आपको लिख लेना है सबसे पहले। फिर दूसरी लाइन में यहाँ पे है कि 6 आदमी 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे, तो 6 आदमी × 9 घंटे प्रतिदिन कार्य का कितने दिन में कर लेंगे वो आप एक्स मान लेंगे, यानी कि एक दूसरे को आपको इक्वल करके लिख लेना है। जो पहले आदमी थे वो जितने दिन जितने घंटे कार्य करके जितने दिन में कंप्लीट करते थे उन सभी की मल्टीप्लाई वो किसके इक्वल रखेंगे, जितने आदमी से आप कराना है जितने घंटे वर्क कराना है और कितने दिन में होगा ये आप एक्स रख के यहाँ पे सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो अब जो चीज़ें कट सकती हैं उनको कट कर लेती है, जैसे 3 से 2 टाइम जाएगा, ठीक है, और ये 3 से जाएगा 5 टाइम, यहाँ पे 9 से 9 कट जाएगा और यहाँ पे 5 और ये 2, तो इसका मतलब 7×5 = 35, 35
और ये इधर बचेगा 2x, तो 35 को 2 से डिवाइड कर देंगे, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 17.5, 17 से 1/2, यानी कि 17.5 डेज आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि अगर मैं इसी काम को 6 आदमी 9 घंटे प्रतिदिन कार्य कराऊं तो 17.5 दिन में कार्य कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है ए एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी इस कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि प्रत्येक बारी बारी एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करे तथा पहले ए प्रारंभ करे तो इस कार्य को समाप्त होने में कितना समय लगेगा। तो ये क्वेश्चन तो मैं बहुत बार करा चुका हूँ, बट फिर से जब 50 टॉप क्वेश्चन की बात आई तो फिर उसमें ये ऐड कर लिया गया, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे बोला जा रहा है ए किसी कार्य को 12 दिन में कर लेता है तो लिख लिया, बी भी 18 दिन में कर लेता है, ये भी आपने लिख लिया। नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है एलसीएम लेना, एलसीएम आएगा 36, यानी कि टोटल यूनिट वर्क ये हो गया, तो यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। इनका पर डे वर्क भी निकाल लेते हैं, 36 को 12 से भाग किया तो ए का 3 यूनिट वर्क आ गया एक दिन का, 36 को 18 से भाग किया तो बी का एक दिन का 2 यूनिट वर्क आ गया। यानी कि दोनों से अगर मिला के वर्क कराया जाए तो 5 यूनिट वर्क ही एक दिन में कर सकते हैं, बट दोनों से मिला के वर्क नहीं कराना है, यही क्वेश्चन का पूरा कॉन्सेप्ट चेंज करता है। यहाँ पे एक दिन छोड़ के यानी कि बारी बारी अल्टरनेटिवली वर्क कराना है, तो जब भी अल्टरनेटिव की बात आती है और ए वर्क स्टार्ट करके करता है और बी उसके बाद करता है, तो यानी कि पहले दिन ए करेगा, पहले दिन सिर्फ ए करेगा बी नहीं करेगा, फिर अगले दिन बी करेगा ए नहीं करेगा, तो अगले दिन फिर ए करेगा फिर बी करेगा फिर ए करेगा फिर बी करेगा, इस तरीके से वर्क कराएं तो कितना समय लग जाएगा। सीधा सीधा समय डबल हो जाएगा, मतलब जितना भी टाइम लगता होगा उसमें डबल हो जाएगा, बट डबल कहना एक्चुअल आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जिस कार्य को ये 5 यूनिट कार्य को एक दिन में कर सकते थे, अब 3 और 2 इनको कवर करने में अब ये 2 दिन लेंगे, यानी कि ये एक दिन में कर सकते हैं 5 यूनिट वर्क, बट अलग अलग दिन कराने पर ये 2 दिन लेंगे इस 5 यूनिट वर्क को कराने में। तो आप ये क्या करेंगे, 5 का एक ऐसा टेबल पढ़िए जो इस 36 से कम रहे। ठीक है, यही ट्रिक है इस क्वेश्चन की। तो 5 × 7 = 35, यानी कि 5 का पढ़ा आपने 7 बार पढ़ा, 35 आया, एक रिमेनिंग वर्क बच गया, 36 में से 35 माइनस किया तो एक रिमेनिंग वर्क बचा। अब जो 7 ही आया है ये एक दिन का नहीं था, तो इसमें 2 की भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि 5 यूनिट वर्क ये 2 दिन का कार्य था, तो इसमें आप 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 14 डेज। ठीक है, तो 14 डेज जो आपका आया है ये आया है एक्चुअल डेज। अभी आपका एक रिमेनिंग वर्क भी बचा हुआ है, रिमेनिंग वर्क को करने कौन आता है, जिसने वर्क स्टार्ट किया था, तो 14 + 1/3 से हम डिवाइड करेंगे तो 1/3 हो जाएगा, यानी कि 14 complete 1/3 days आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ताश के पत्तों में से एक पत्ता निकाला जाता है तो पत्ते के इक्का होने की प्रायिकता क्या होगी। अब यहाँ पे ये प्रोबेबिलिटी का जो चैप्टर है बहुत ही सिंपल होता है, और इसकी मैंने बहुत ही अच्छी अच्छी 3-4 वीडियो बना रखी है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने की कोशिश करूँगा, या फिर इंपॉर्टेंट वीडियोज़ का लिंक नीचे दे दूँगा, एक प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के नाम से, उसमें रीजनिंग की इंपॉर्टेंट, मैथ की इंपॉर्टेंट और जीके ऑनलाइन टेस्ट की भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ ऐड है, तो उसमें 400-500 वीडियो है, उसमें से जाके देख लेना। उस प्लेलिस्ट को तो आप हमेशा फॉलो कर लेंगे ना, बहुत ही अच्छा मतलब रहेगा आपके लिए, आप उसको डेली 1-2 वीडियो देख लग रहे हैं, आपकी पूरी मैथ रीजनिंग सब कुछ कवर हो जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट में, कोई चार्ज नहीं है उसका। तो यहाँ पे देखिए, इसका एक फॉर्मूला होता है, आने की संभावना पौन में कुल संभावना। अब जो ये कुल संभावना होती है कभी चेंज नहीं होती है, मतलब अगर आपका कंडीशन ही क्वेश्चन की चेंज हुई तो तब चेंज होगी, अदरवाइज ये नीचे सेम ही रहता है। जैसे ताश के पत्तों में से एक पत्ता निकाला जाता है तो पत्ते के इक्का होने की प्रायिकता पूछी गई है। अब मुझे ये बताइए, ताश के पत्ते कितने होते हैं, ताश के पत्ते होते हैं 52, तो इसका मतलब नीचे हमेशा 52 ही आएगा, तो कुल संभावना तो आपकी 52 है, इसमें से एक पत्ता निकाला जा रहा है और इक्का होने की प्रायिकता पूछी है, तो इक्के कितने होते हैं, टोटल 52 ताश के पत्तों की गड्डी में 4 इक्के होते हैं, तो 4/52 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि कुल संभावना आपकी 52 थी और इक्के कितने हो सकते हैं, एक पत्ता निकाला बट इक्के तो 4 हो सकते हैं ना, तो 4/52 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसको वैसे भी करके देख लीजिए तब भी आपका, यानी कि 4C1 और 5 52C1 लिखेंगे हम यहाँ पे, तो जब इस 4 को खोलेंगे तो 4 × 1 हो जाएगा, इस 52 × 1 होगा, तो ये फिर भी आपका 4/2 ही बचेगा। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके का क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है, तो ये मैं आपको कवर करा दिया। अब सिक्के वाली कंडीशन में हमेशा नीचे 2 आते हैं, क्योंकि सिक्के के 2 ही आपकी वो होते हैं
मतलब एक तरफ हेड एक तरफ टेल, पास में आपके छह साइड होते हैं तो ये आपकी छह हो जाएंगे। ठीक है, तो ये नीचे कुल संभावना में सिक्कों में दो आती है, पास में छह आती है, पत्तों में 52 आती है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों एक क्वेश्चन है आपका, राम ने किसी परीक्षा में 25% अंक प्राप्त किए जो उत्तीर्ण अंक से 20 अंक कम थे। उसी परीक्षा में श्याम ने 35 अंक प्राप्त किए जो उत्तीर्ण अंक से 18 अंक अधिक थे, तो बताओ परीक्षा का पूर्णांक क्या है। भाई ये क्वेश्चन एक तो हो गया आपका ये एग्जाम वाला और एक होता है आपका इलेक्शन वाला, दोनों क्वेश्चन को इसी तरीके से करना है, किसी भी एक को समझ लीजिए, दूसरे वाला आप खुद कर लेंगे। ठीक है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है तो दिमाग में एक ही चीज़ आनी चाहिए कि जो फेल हो रहा है उसको पास कर दीजिए और जो पास हुआ है उसके नंबर माइनस करके उसको भी पास करिए, दोनों को बस पास कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। कैसे, यहाँ पे बोला जा रहा है राम ने किसी परीक्षा में 25% अंक प्राप्त किए और वो 20 अंक से फेल हो गया, इसका मतलब मैं 25% वाले को अगर 20 अंक दे दूँ तो पास हो जाएगा, तो मैंने इसको 20 अंक दे दिए, पास हो गया। फिर यहाँ पे बोला जा रहा है उसी परीक्षा में श्याम ने 35 अंक प्राप्त किए और ये प्राप्त किए उत्तीर्ण अंक से 18 अंक अधिक थे, तो अगर मैं 35 में से 18 माइनस करूँ तो ये भी पास होगा, एक्स्ट्रा अंक नहीं होगा ना इसके पास तो ये भी पास हो जाएगा। दोनों को आपने इस तरीके से पास करा दिया तो आप क्या करेंगे, परसेंटेज इसमें से इसको मतलब एक साइड में लेके आएंगे तो माइनस होगा तो 10% बचेगा और ये इधर जाएगा क्योंकि ये माइनस का है, ये भी माइनस का हो जाएगा तो 18 माइनस का और माइनस का 20 प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 38, तो 10% की वैल्यू आपको कितनी मिल गई, 38 मिल गई है, तो 100% की वैल्यू क्या होगी ये आपको निकालना है, तो 10% यानी कि 10x बराबर कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, इनकी इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये हो जाएगा आपका 3800 और इसको 10 से यानी कि 10 से 0 काट देंगे तो x की वैल्यू आपकी 380 आ जाएगी, या फिर आप यहां पे समझिए, मैंने इस तरीके से भी समझा रखा है भाई, 10% की वैल्यू ये है तो 38 को 10 से डिवाइड करेंगे, मुझे 100% की चाहिए तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 से 0 38 की 10 में करेंगे तो 380 हो जाएगा, तो राइट आंसर 380 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बताओ कि परीक्षा में पूर्णांक कितना है यानी कि टोटल मार्क्स कितने हैं, 380 है परीक्षा में टोटल मार्क्स, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका, ए और बी दौड़ की एक प्रतियोगिता में शामिल हुए, जब ए ने 400 मीटर की दौड़ समाप्त किया तब बी उससे 20 मीटर पीछे था, दोनों की चालों में अनुपात ज्ञात कीजिए, दोनों की चालों का अनुपात ज्ञात कीजिए, यह आपको बताना है। देखिए ए और बी दौड़ की एक प्रतियोगिता में शामिल हुए, इसका मतलब भाई ए और बी दोनों के दोनों दौड़े होंगे। ठीक है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि जब ए ने 400 मीटर की दौड़ समाप्त की, यानी कि एक 400 मीटर की दौड़ में ए ने भाग लिया और बी ने भी भाग लिया, दोनों दौड़ रहे हैं, यहाँ पे बोला जा रहा है जब दौड़ समाप्त हुई, यहाँ पे गए समाप्त हुई, तब बी से 20 मीटर पीछे था, तब बी उससे 20 मीटर पीछे, यानी ए से 20 मीटर पीछे था बी, तो बी ए से 20 मीटर पीछे था, इसका मतलब ए ने कंप्लीट कर दिया था 400 मीटर और इसने 380 किया होगा क्योंकि ये 20 मीटर पीछे रह गया था। तो अब पूछा है इनकी चालों का अनुपात, अब जो जितना दौड़ा है क्योंकि टाइम तो सेम था, थोड़ा सा दिमाग से सोचिए कि इनको टाइम अलग अलग तो नहीं दिया गया, एक ही टाइम पे दौड़ाए गए, 400 मीटर की डिस्टेंस, यानी कि डिस्टेंस भी फिक्स थी, टाइम भी फिक्स था, अब ये उतने ही टाइम में ये तो यहाँ तक पहुँच गया और ये यहीं तक रुक गया, यानी कि 20 मीटर पहले ये रुक गया या फिर रह गया, 20 मीटर से पीछे रह गया, तो इसका मतलब इनकी जो भी डिस्टेंस इन्होंने कवर की है वही इनकी चाल का रेशो बन जाएगी, तो आपको बस सीधा सीधा यहाँ पे क्या लिखना है, 400 और 380, क्योंकि ये 380 कवर पर कर पाया उतने टाइम में, मान लीजिए अगर ये 10 मिनट के लिए दौड़े थे तो 10 मिनट में ये कितना दौड़ा, 380 और ये कितना दौड़ा, 480 सॉरी 400, तो यहाँ पे अब ये क्या करेंगे, 400 और इसमें से दोनों की जीरो कॉमन है तो दोनों की जीरो हटा देंगे, अब ये 2 से 20 टाइम जाएगा, 2 से 19 टाइम जाएगा, तो स्पीड का रेशो 20:19 हो जाएगा, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, बहुत देर से बोलते बोलते गले में दर्द हो गया, बट आपके लिए मैं वीडियोज़ बनाता रहूँगा अगर आप हमेशा इसी तरीके से मोटिवेट करते रहेंगे। कल की वीडियो आपने बहुत ज़्यादा पसंद की, लाइक किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, इसी तरीके से बस सपोर्ट करते रहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आपके जो रेशो वाले क्वेश्चन है ये भी देखने को मिलते हैं एग्जाम में, इनको कैसे करना है। यहाँ पे बोला जा रहा है ए बी का रेशो 3:4 है, बी सी का रेशो 8:9 है, ए बी सी का रेशो बताइए या ए सी का रेशो बताइए। अब जब भी आपको क्वेश्चन में दिया जाए ए बी का रेशो बी सी का रेशो, तो जैसे दिया गया वैसे लिख लीजिए, ए बी का रेशो 3:4, बी सी का रेशो 8:9। अब यहाँ पे आपको क्या करना है,
इस तरीके से उल्टा एन मल्टीप्लाई कर देना, यानी कि इसकी इसमें और इसकी इसमें। तो 8 की 3 में करेंगे, 8 की 4 में करेंगे और 4 की 9 में करेंगे। जो सबसे पहली मल्टीप्लाई होगी वो ए का रेशो रहेगा, जो दूसरे वाली इस तरीके से डायगोनली मल्टीप्लाई होगी इस तरीके से वो बी का रेशो रहेगा, और जो लास्ट वाली मल्टीप्लाई होगी वो सी का रेशो रहेगा। तो यहाँ पे 8 की 3 में करी हमने 24, 8 की 4 में करेंगे 32, 4 की 9 में करेंगे 36। तो ये आपका आ गया, ठीक है। अब इनको 4 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 6 टाइम जाएगा ये, 8 टाइम जाएगा, 9 टाइम जाएगा। तो यहाँ पे 6:8:9 का आपका रेशो बन गया है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। बस ध्यान रखिएगा कि जब भी क्वेश्चन में रेशो इस तरीके से दिया हो, यानी कि ए बी, ठीक है, फिर बी और सी, बस आपको इस तरीके से लिखना है, उल्टा एन आपके दिमाग में आना चाहिए कि इस तरीके से मुझे मल्टीप्लाई करनी है, आपका राइट आंसर आ जाएगा। हाँ, अब यहाँ पे पूछा ए सी का रेशो, तो यहाँ पे ए बी सी का आपने निकाल लिया। ए सी का अगर आपको निकालना था तो बस आपको ए की यहाँ पे मल्टीप्लाई करनी थी, लास्ट में मल्टीप्लाई करनी थी, तो ये सी का रेशो आ जाता। या फिर आप 6 को और 9 को उठाइए, 6 और 9 को। अब ये 6 और 9 रेशो नहीं है ए सी का, इसको भी कट करिए, क्योंकि 3 से दोनों कट हो सकते हैं, 3 2 6, 3 3 9, तो 2:3 आपका रेशो हो जाएगा ए और सी का, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, यानी कि ए बी का रेशो, बी सी का रेशो और सी डी का भी रेशो दे दिया। अब ए बी सी डी का रेशो पूछे थे, तब क्या करना है, तब भी आपको ऐसे ही करना है कुछ, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ए बी का रेशो 8:5, बी सी का रेशो 5:8 और सी डी का रेशो 4:5। अब यहाँ पे आपको करना है, देखिए ए बी सी डी का रेशो निकालना है, तो जो पहली लाइन की आप मल्टीप्लाई कर देंगे वो तो ए का रेशो, लास्ट वाली मल्टीप्लाई कर देंगे सी का रेशो, बीच में बचा बी और सी, तो बी और सी का रेशो कैसे निकालना है उसको देख लेते हैं। भाई आपने पहली पूरी लाइन की मल्टीप्लाई की, 160 आया, ये ए का रेशो हो गया। अब यहाँ पे पहले वाले में बी का जब रेशो निकालेंगे तो पहले के 2 और ये लास्ट वाला, ये यानी कि इस तरीके से डायगोनली मल्टीप्लाई होगी, बट इसमें हम इस तरीके से नहीं करेंगे, पहले वाली लाइन का ऊपर वाला भी लेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें बी भी इंक्लूड है ना इस वाले में, ठीक है। तो आपको इस तरीके से करना है, 5 और 4 की और 15 की, 300 हो जाएगा। फिर यहाँ पे सी का निकालना है, तो आपको ये ही काम करना है अब की बार इसमें, तो 4 की और यहाँ पे सी है आपका, तो इसमें मल्टीप्लाई करनी है, तो ये 4 की 8 की और 15 की करेंगे, 480 हो जाएगा। लास्ट वाले की सभी की कर देंगे तो आपका ये 600 आ जाएगा, ये डी का हो जाएगा। अब ये कट हो सकते हैं, जैसे सभी में कॉमन 0 है तो 0 से 0 कट हो जाएगी, ठीक है। अब ये 2 से कट हो जाएगा, 8 टाइम ये हो जाएगा, 15 टाइम ये हो जाएगा, 24 ये 30, तो यही आपका रेशो बन गया है, ठीक है। यही आपसे पूछा गया था कि इनका रेशो क्या रहेगा ए बी सी डी का। अगर ए और डी का पूछा जा रहा है तो ए डी का कितना है, 8 और 30, तो 8 और 30 आपने लिखा यहाँ पे, और या फिर आप डायरेक्ट ही निकालना पूछ, अगर आपसे पूछा था, क्योंकि कई बार सबका नहीं पूछते, बस ए डी का या ए सी का ए बी का पूछ लेते हैं, तो तब कैसे करना होता है। अगर ए डी का पूछा था तो इस वाले की मल्टीप्लाई करनी थी और इस वाले की मल्टीप्लाई करनी थी, और आपका राइट आंसर आ जाता, ठीक है। 2 से कट करेंगे 4 बार और 2 से कट करेंगे 15 बार, तो 4:15 का आपका राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।